नमस्कार, मैं हूं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस हमारे खास वीडियो में। लोकसभा के सातवें और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को है। इस दिन बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें पटना साहिब संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। आपको मालूम होगा कि पटना साहिब से कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें एनडीए से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में है। तो वही इंडिया गठबंधन से कांग्रेस नेता अंशुल अभिजीत इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच ही सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां से कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं, पटना साहिब से निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश प्रसाद। अवधेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के बिहारी न्यूज में। थैंक्स सर। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं बिहार सरकार से सेवानिवृत्त अभियंता के पद से हूँ। मेरा नाम अवधेश प्रसाद है। मैं नल जल विभाग से PhD के नाम से जो प्रसिद्ध है उस विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मैंने अपनी सर्विस काल में हमेशा DIN में रहा। हमें फील्ड बहुत नहीं दिया गया और मैं अपने डिजाइन के पीरियड में भी अपने विभाग के प्रति कार्य में हमेशा समर्पित रहा और अच्छे ढंग से कार्य को किया। और उस स्थिति में भी कहीं कभी कभी हमें यह मौका मिला नल जल योजना में, जैसे दीदारगंज से लेके पटना सिटी तक का हम दीदारगंज से लेकर के पटना सगुना मोड़ तक का मेरा जल वितरण प्रणाली में कार्य रहा। उसमें मैंने अपने पीरियड काल में 44 पंप हैंड पंपों का भी निर्माण करवाया और उसमें घर घर नल जल योजना का ये कार्य कराया। उसमें बहुत सारी डिफिकल्टियाँ उस समय चूँकि अस्किल के रूप में आती थी और जो नए कार्य के होते हुए कभी कभी परेशानियाँ आती थी, लेकिन मैं उसे लगन से हमेशा उसको दूर करता रहा और जलापूर्ति का भी साधन लोगों में देता रहा। उस तो इस स्थिति में हमारे पास एक समस्या आई सरकार में। हमें गया स्थानांतरण कर दिया गया जहां सिरघाटी क्षेत्र में मेरा पद स्थापित हुआ। आमस, बाके बाजार, गुरुआ, गुरारू और 4 मेरा ब्लॉक रहा। उसी सभी ब्लॉकों में मैं जा कर के कार्य करवाया, जो काफ़ी पानी से के समस्या से काफ़ी जूझ रहे थे। और ऐसे स्थिति में मैंने उनको सरकार की एक योजना आई थी 7 निश्चय योजना, जल नल योजना, गली नली। तो वैसे स्थिति में हमारे जो मॉडल इस्टीमेट थे उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी और ऐसे स्थिति में मैं सरकार को बचाते हुए जनता के बीच में ले गया और अच्छे ढंग से उस कार्य को करवाया। और उस 10 महीने में हमारी स्थानांतरण फिर पुनः मधुबनी कर दी गई, जहाँ कि मैं वहाँ पर भी रात दिन काम करके 14-15 महीना मैं वहाँ काम किया और जल नल योजना से लोगों को राहत दिलाया। तो इस तरह से मैं अपने सेवा काल में काफ़ी मेहनत किया और लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहा। तो आप एक संसदीय चुनाव में इस बार खड़े हुए हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है और EVM पे इसकी क्रम संख्या क्या है? EVM पर हमारा चुनाव थी बस्ता छाप, स्कूल का बस्ता छाप है और मेरा EVM में क्रम संख्या 14 पर रखा गया है, जो काफ़ी संतोषजनक हमारे लिए है। क्योंकि आज हर बच्चा जब धरती पर अपना कदम रखने लगता है तो उसकी माँ बाप की चिंता होती है कि उसको स्कूल भेजें और वह प्रारंभिक शिक्षा में जाता है एक कॉपी ले, किताब लेकर के, एक बैग लेकर के, स्कूल का बस्ता लेकर के एक शिक्षा अपना लेता है नर्सरी से। और जब तक उसकी पूर्ण शिक्षा ग्रहण हो जाती है और उसके बाद वह एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए सोचता है, उस बस्ते छाप से मैं बहुत खुश हूँ। इस बार NDA प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत पटना साहिब से चुनाव में खड़े हुए हैं, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, आप इन्हें कैसे देखते हैं? मैं कांटे की टक्कर को नहीं मानता हूँ, मैं अपना परिश्रम और प्रयास को मानता हूँ।
कांटे की टक्कर क्या होती है नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं यदि आपको उन सबों से हटकर और जैसे नल जल योजना के तहत नहीं, हर पंचायत में एक बागवानी, एक एक 100 बीघे में अगर मैं प्लांटेशन का बात करता हूँ तो आपकी समस्या एक मॉल के रूप में, एक समाधान के रूप में, और काफ़ी लोगों हजारों हजार लोगों को लोगों को रूप में एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। हमारे पूरे बिहार में 8,000 पंचायतें हैं और ये अगर सही ढंग से किया जाए तो एक साल में सारी समस्याएं हमारी जो छात्रों का बेरोजगारी की है, जनता का जो बेरोजगारी जो समस्या है वो दूर हो सकती है। पटना साहिब राजधानी पटना का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पे बावजूद इसके कई जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित है, जैसे बारिश के समय में अक्सर पानी की समस्या देखने को मिलती है और भी कई समस्याएं, तो आप इनसे कैसे लोगों को निजात दिलवाएंगे? मैं अभियंता के रूप में इसमें एक सुझाव यही देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ लेबलिंग से अगर काम नहीं होगा तो समस्याएं हमेशा बनी की बनी रहेगी। लेबलिंग एक ऐसी पकड़ है, उसी कहाँ से कहाँ पर उसका वाटर फ्लो होता है वो बताता है, और हमारे यहाँ लेबलिंग की व्यवस्था किसी भी कहीं भी नहीं है। अनएम्प्लॉय कहीं गड्ढा है तो उसका लेबलिंग नहीं लेकर के चलते हैं, जिसके कारण हमारी समस्याएं बनी रहती है, और इसको इस तहत अगर दूर करें तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं, जल जमाव की समस्या से हम निकल सकते हैं। पटना साहिब के विकास कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पटना शहर के विकास के कार्य के लिए मैं दो ही बात करना चाहूँगा, एक शिक्षा से और दूसरा रोजगार से। मैं सभी समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता हूँ, एक दिन में कोई भी समस्या है सभी निराकरण नहीं हो सकती है, लेकिन यदि मैं शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देता हूँ तो एक साल के अंदर मेरे यहाँ रोजगार और शिक्षा की सारी समस्याएँ दूर हो सकती। आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जो आप कह रहे हैं और जो लोगों के लिए आप योजनाएं लेकर देखिए, आप जो कहते हैं करेंगे जो आप लोग जो कहते हैं कि विश्वास दिलाने की, तो मैं एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, इसमें तीन बात होती है, एक लीनियर जो सिंगल लाइन जिसको रोड कहते हैं, एक वो डबल लाइन जिसको आप प्लानिंग में कहते हैं, 5 इंची 10 इंची 2 इंची 1 इंची 6 इंची 8 इंची का जो डिफरेंसेस दो लाइन के बीच में दूरी होती है उसको हम लोग 2 डायमेंशन में आते हैं, और 3 डायमेंशन की बात आती है, तो लीनियर और 2 डायमेंशन का अगर आप पकड़ लेते हैं तो यह सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आपको पटना साहिब में कौन कौन सी परेशानी नज़र आती है, जैसे आप सबसे पहले देखिए, हम तो पटना साहिब के नागरिक और एक बिहारू नेता के रूप में आ गए हैं, और तो यहाँ समस्या जो हमारी जनता की समस्या है उस समस्या में तो मैं भी जूझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनको इग्नोर कर सकता हूँ। तो वैसे स्थिति के लिए मैं बता दिया ना पहले कि लेवलिंग की बात आए, कि ड्रेनेज की बात आए, तो हमारे बायलॉज की बात आए, हमारे प्लानिंग की बात आए, हमारा जब बायलॉज नहीं आएगा तब तक हम किसी भी समस्या से निदान पाने में सक्षम नहीं होंगे। बायलॉज को यहाँ लाना होगा, बायलॉज होता है उस किसी भी बिल्डिंग का सेटबैक कितना होगा, उस सेटबैक को प्लानिंग में पास करना जरूरी होगा। ये सरकार और हमारे न्यायालय का यह पर हमको विश्वास है, न्यायालय अगर इस पर हमको थोड़ा सा बल देती है तो पटना की समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। इस बार आप लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं जी, तो इससे पहले आपका समाज के लिए क्या योगदान रहा? इसका पहले मैंने मैडम यही समाज में करता था कि जो दबे कुचले लेबर थे, मजदूर थे, मैं उनको बिल्डिंग के बारे में ज्ञान देता था, जिस क्षेत्र से वो काम करना चाहते थे उस क्षेत्र में मैं उनको ज्ञान देता कि इसमें टेक्निकली चीज़ किताब से और थ्योरी प्रैक्टिकल और थ्योरी से क्या अंतर है, कैसे आप करोगे, अगर मेरे सिद्धांत से थ्योरी उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में तुम वर्णन कर लेते हो तो फिर तुम्हारे दूसरे बिल्डिंग प्लानिंग में काम करने में तुमको ज़्यादा मज़ा आएगा, पैसा तुम ज़्यादा कमाओगे और समस्याएं तुम्हारी खत्म रहेगी। कई बार हम देखते हैं कि लोग रोजगार ढूंढने के लिए पटना से बाहर जाते हैं, तो ये पलायन रोकने के लिए आप क्या? मैंने पलायन रोकने के लिए जो पंचायत लेवल पर बात की
कि हर पंचायत में एक 100 बीघे में एक प्लांटेशन का व्यवस्था कराया जाए और उसमें तरह तरह करके होटल, तरह तरह के डांस, म्यूजिक, पढ़ाई का, रोजगार के बारे में बताया जाए तो हमारी समस्या बहुत सॉल्व हो सकती है। समाज के लिए कभी भी जातिवाद हो या फिर धर्म की राजनीति हो सही नहीं होती है, लेकिन बड़े दल के नेता होते हैं वो इसी पे राजनीति करते हैं, आप इससे कैसे बचेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बड़े दल के नेता हों या छोटे दल के नेता हों, जाति की बात है तो जाति जो मेरा होश है, जब से मैंने 1972 में मैट्रिक पास किया उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि जाति के प्रति लोगों को रुझान भी है और हटाव भी है। तो जो जिनको रुझान है वो अपना जाते हैं और जिनको हटाव है वो आगे बढ़ते हैं। तो जब तक हम उस व्यवस्था में हैं कि हम उनके जाति से कुछ भी नहीं लेना है, उनको रोजगार हमको देना, वो किसी भी समुदाय के भी हों, वो मेरा अंग है, मेरा परिवार है, हमारा जो कंस्टिट्यूंसी है पटना साहब, 30 पटना साहब संसदीय क्षेत्र, ये 22,91,131 सदस्यों का समूह है और वो सभी हमारे सदस्य हैं। हम सबों पर ध्यान दूंगा और ये नहीं कि वो हमको वोट देंगे, हमारा जात है, हमको लोग मानेंगे, उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं उनको समझाना मेरा काम है, उनसे हमको वोट लेने की, हमको अपना बनाने का कैपेसिटी या तजुर्बा हमको हमारी होनी चाहिए। हम किसी के कहने पर और थोपने पर हम शिकायत की बात से बहुत दूर हटते हैं। ना मैं उनका आलोचना करना चाहता हूँ, मैं ना उनके बारे में कुछ है। हाँ, एक ही मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ कि अगर 2 रोटी मैं खाता हूँ तो मेरे भी जो सपोर्टर हैं, मेरे भी जो सहयोगी हैं, मेरे उनको भी 2 रोटी मिलनी चाहिए। और अगर मैं 2 रोटी है तो 1 रोटी मैं देने को तैयार हूँ। अब आखिरी में एक सवाल है, आपका चुनाव चिन्ह बसता छाप है, कहने में ये बड़ा छोटा सा शब्द है लेकिन आपके जीवन में इसका क्या महत्व है? देखिए, एक बुजुर्गों की कहावत है, जिस बुजुर्ग जैसे भगवान राम हैं, तो हमारे एक धर्मनिष्ठित धर्म के तहत आते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षा अगर तुम्हारे पास है और मरने दम तक तुम शिक्षा को पास में रखते हो तो तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं बचेगी। इसलिए शिक्षा को 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 20 मिनट जब भी हो स्मरण करते हैं। जैसे इस उन्होंने अपने काल में अपनी जीवनी को लिखा, उस वक्त शिक्षा के मार्ग वही था और उसमें वैसे वैसे शब्दों का समाहित किया जिससे हमारे ज़िंदगी के एक एक क्षण में याद आती है। तो हम उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे साथ पटना साहिब से निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश प्रसाद थे जिनका चुनावी चिन्ह बसता छाप है। इन्होंने रोजगार और शिक्षा सभी पटना का जो भी विकास कार्य है उन सबको लेकर बात किया है। तो फैसला आपके हाथ में है। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, वो सब चर्चा पटना।